अच्छा, अगर रिमझिम घर पर है तो दिखाई क्यों नहीं दे रही? रिमझिम आंटी अम्मा मौसी के साथ मंदिर में पूजा में बैठी है। झूठ बोल रही हो तुम ईशा। जस्ट अ सेक, अगर ईशा झूठ बोल रही है तो एक मिनट में साबित हो जाएगा। ठहरिए विनाशंकर, बात दरअसल ये है कि अम्बा मौसी ने कहा है कि जब तक वो लोग पूजा के कमरे में है तब तक कोई ना डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वक्त वहां ना जाएं। देखा देखा अविनाश कैसे झूठ बोल रहे हैं दोनों, बहाने मार रहे हैं। आप अपनी आंखों से जाकर क्यों नहीं देख लेते मंदिर में? विकी, हट जाओ सामने से। आज सबके लिए जाना बहुत जरूरी है कि श्वेता गलत है या फिर रमज का बेटा। आज सबके लिए जाना बहुत जरूरी है कि श्वेता गलत है या फिर रमज का बेटा। क्यों, क्या हो गया आपको? सांप सूंघ गया क्या? वहां तो बहुत चीख रही थी, चिल्ला रही थी। अविनाश जी, ये हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। चुप, चुप। बिल्कुल चुप। अगर एक और शब्द भी कहा तो कभी कभी तो लगता है पागल रमझम नहीं, पागल तुम हो श्वेता, अगर तुम हो श्वेता। लेकिन श्वेता, इस घर में अगर हमने तुम्हें इज्जत दी है तो इस घर की इज्जत की रक्षा करना, उसका सम्मान करना तुम्हारा फर्ज बनता है। और रिमझिम हमारे घर की इज्जत है, हमारे घर का सम्मान है। लेकिन अविनाश वो बस श्वेता बस, अगर रिमझिम के खिलाफ एक और शब्द कहा ना तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अविनाश, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। एंड यस, डोंट टेस्ट माय पेशेंस। बिस्तर बोरी बांध ले अपना, पता नहीं कब भागना पड़ जाए यहां से। और धक्के मार के निकाल दिया तो बिस्तर बोरी बांधने का टाइम भी नहीं मिलेगा। अब तुम्हारे लिए यहां पर कुछ नहीं बचा है श्वेता, तुमने हर कोशिश करके देख ली, हमें पागलखाने तक पहुंचा दिया। तुम्हें इस घर में बहू का दर्जा कभी नहीं मिलेगा, तुम्हें इस घर में बहू का दर्जा कभी नहीं मिलेगा। इस घर की बहू हम हैं, जो किया है उससे ज्यादा कर लोगी तब भी नहीं। तुमने जो कुछ भी किया हम उसके लिए तुम्हें माफ करते हैं।
तुम माफी के काबिल हो नहीं, फिर भी हम तुम्हें एक मौका देते हैं, क्योंकि यह तुम्हारा आखिरी मौका है। सोच लो। अब की बार कुछ पागलपन मत करियो, दिमाग से काम ले। चल मौका शिमशिम, अगर मेरा खेल खत्म हो गया तो मैं तुम्हारा भी सब कुछ बर्बाद कर दूंगी, सब कुछ। रुको ईशा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। नहीं विकी, बहुत हो गया, मैं खुद घर से वो फाइल लेकर आऊंगी। ईशा रिलैक्स, हम दोनों साथ मिलकर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे ना। तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो विकी, जल्द से जल्द ये सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। मेरे दिल पर इतना बड़ा बोझ है, आज मेरी वजह से रिमझिम आंटी अपनी बेटी से दूर, और कितने दुर्भाग्य की बात, मेघा जिंदा है लेकिन फिर भी सब उसे मरा हुआ समझते हैं, और जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार मैं ही तो, इसलिए वो फाइल मैं ही लेकर आऊंगी घर से। प्लीज विकी, मुझे एक बार घर से मिलने दो। नहीं ईशा, जिम्मेदार तुम नहीं हो, बल्कि जिम्मेदार वो गर्व है। और ईशा, अब मैं तुम्हें किसी परेशानी में पड़ने नहीं दूंगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और हम साथ मिलकर ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके आशो, तुम यहां आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। ओके गर्व बेटा। मामा, अरे आप कैसे हो मामा? और अचानक? अरे बेटा, कल ही मैंने तुमसे फोन पे बात की थी और कहा था कि आज मैं मुंबई आ रही हूँ। अच्छा, वो क्या हो गया है तुम्हें, कुछ परेशान हो क्या? कुछ नहीं मामा, ऐसे ही बस। जरूर कोई बात है, बताओ क्या बात है। नहीं मामा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखो बेटा, अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो, बताओ ना बेटे क्या बात है। मॉम, ऐसी कोई बात नहीं। एनीवेज, वो दिल्ली में सब कुछ कैसा है? दिल्ली में सब लोग अच्छे हैं बेटा। अच्छा, और वो सनी अंकल और उनकी वाइफ, वो कैसे हैं? बेटा, मैं दिल्ली से आ रही हूँ और सनी अंकल चंडीगढ़ में रहते हैं। पता है ना तुम्हें, तू तो उनके घर पे जाकर भी आया है। कर बेटा, क्या हो गया है बेटा तुम्हें? हा? कुछ नहीं मामा, एनीवेज मैं अभी आता हूँ, बैठो ना। क्या हो गया कर को? जरूर कोई ना कोई बात तो है, लेकिन बात क्या है वो पता लगाना पड़ेगा। हाँ बोल भैया, सब सही है ना बस्ती में? अच्छा, अरे क्या बात करता है? हाँ तो डॉक्टर साहब को नहीं बुलाया? अरे कितना बेवकूफ है, अस्पताल ले जा, डॉक्टर साहब को बुला ले। अरे तेरे से तो कुछ होता ही नहीं है, दिमाग नहीं है क्या? भेजा तो इस्तेमाल किया कर कभी कभी। अच्छा चल मैं आती हूँ। अरे हाँ, मेरे घर पे ले जा, चल। हाँ ठीक है। क्या हुआ? अरे बेवकूफ लोग है, मौसी की तबीयत ठीक नहीं। अरे डॉक्टर साहब को बुला लो, अस्पताल ले जाओ। नहीं कुछ नहीं करने वाले, जब तक अम्बा नहीं पहुंचती कुछ नहीं होगा। तो मैं क्या सोच रही हूँ, मैं जाती हूँ, जल्दी से वापस आ जाती हूँ। अम्बा, लेकिन अगर तुम चली गई तो हम यहाँ अकेले कैसे संभालेंगे? अरे कुछ नहीं होने वाला, तो बस यहाँ पे चुपचाप पड़ी रहे। चेता, अरे उसका चौकता तो देख, उस पे लिखा हुआ है मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, आगे मैं क्या करूँ? क्या कर लेगी, देखा नहीं पूजा के वक्त उसकी शक्ल, अरे भीगी बिल्ली की तरह एक जगह पड़ी हुई थी। लेकिन अम्बा, अगर श्वेता ने हमारे साथ कुछ किया तो हमारे बचाव में कुछ तो करना पड़ेगा ना, और अगर घर वालों में से किसी ने देख लिया। अरे नहीं, कुछ नहीं होने वाला, तो विश्वास रखना, अभी गई शाम को वापस आ जाऊंगी। इतना टाइम ही नहीं उसके पास कुछ करने के लिए, और क्या कर लेगी? सच्ची बोलो, उसकी तो हालत हमने इतनी खराब कर दी है कि या तो वो घर छोड़ के चली जाएगी या इतना बड़ा कांड कर देगी कि खुद ही फंस जाएगी उसके अंदर।
अम्मा हम डर नहीं रहे हैं लेकिन मत सोचना इतना ज्यादा, तू बस चुपचाप यहाँ पड़ी रहे। ईशा और विक्की को मैं कह देती हूँ निगरानी रखेंगे। हाँ अरे कुछ नहीं होने वाला, मानना अम्बा की बात। अम्बा यू गई यू आई, चल हाँ मैं आती हूँ, ध्यान रखना। कभी कभी तो लगता है पागल रंजन नहीं, पागल तुम हो श्रद्धा, पागल तुम हो श्रद्धा। रंजन हमारे घर की इज्जत है, हमारे घर का सम्मान है। पूजा के वक्त उसकी शक्ल अरे भीगी बिल्ली की तरह एक जगह पड़ी हुई थी। पूजा के वक्त उसकी शक्ल अरे भीगी बिल्ली की तरह एक जगह पड़ी हुई। उसकी तो हालत हमने इतनी खराब कर दी है कि या तो वो घर छोड़ के चली जाएगी, तो वो घर छोड़ के चली जाएगी। तुम अपने आप को बहुत चालाक समझती हो अम्मा, तुम्हें क्या लगता है हर पास ही तुम जीत जाओगे? तुमने अभी श्वेता को पहचाना नहीं है, अब तुम देखना कि मैं रिमझिम का क्या हाल करती हूं। तिल तिल कर मरेगी वो और उसे कोई नहीं बचा पाएगा। जब तक तुम वापस आओगे ना अम्बा, तुम्हारी रिमझिम एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी है। पागलपन का नाटक कर रही हो ना तुम? पूरे घर वालों को दिखा रही हो कि तुम पागल हो। गलती हो गई थी मुझसे, गलती हो गई थी जो उस दिन अपनी पल्लू पर आग लगाई थी। उसी दिन तुम्हारा किस्सा खत्म कर दिया होता ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। तुम मुझे इस घर से निकालना चाहती हो ना? हाँ घर से निकालना चाहती हो ना? आज मैं तुम्हें इस दुनिया से ही बाहर निकाल दूंगी। चुप क्यों बैठी हो, बोलती क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता है हाँ मैं तुम्हें जलाऊंगी नहीं? सही कर रही है तू बिल्कुल, मार डाल इसे। अरे बहुत नाटक हो गया इसका, जिंदा क्यों रही है? मार इसे, चल आग जला। अरे मेरे को क्या देख रही है जला? अरे इधर दे, तेरे से कुछ नहीं होने वाला, अम्बाई तेरा काम कर देगी। अम्मा, अम्मा ये क्या कर रही हो? तेरा काम आसान कर रही, मार रही हूं उस पागल को, जिंदा रहने का हक ही नहीं है इसे। खंगम चक्र गतेषु चाप परिघाम चूलम भुशुण्डिं शिरः शङ्खं शङ्खचक्रनयनाम् सर्वाङ्गम् पाददशकाम् बाबूजी विक्की आकालिकाम् यामस्तम्। अरे उठ ना यार, ड्रामा क्या कर रही है, मर जाएगी। अरे देखिए रिमझिम को आग लगा दी, मार देना चाहती है ऐसे ही। रिमझिम Yeah.
पागल बनाकर पागलखाने भेजा था। इसे तो मैंने पागल बनाकर पागलखाने भेजा था ताकि अविनाश मेरा हो जाए। ये ड्रामा कर रही है अविनाश। ये दोनों मिले हुए ये विकी भी इनके साथ मिला हुआ है। ये उस दिन का बदला ले रही है जब मैंने अपने पल्लू में आग लगाकर इल्जाम इस पर लगाया था। ये उस दिन का बदला ले रही है जब मैंने अपने पल्लू में आग लगाकर इल्जाम इस पर लगाया था। मेघा मेघा को कोयल मैंने बनाया था। मेघा मेघा को कोयल मैंने बनाया था। अरे मैं तो इसे पागलखाने में ही मार देती लेकिन पता नहीं अंबा कहां से आ गई और इसने बचा लिया। पागल तो मैं ही थी ना। अगर उसी दिन इसे मार दिया होता तो ये तमाशा ही खत्म हो गया होता। पागल तो मैं ही थी ना। अगर उसी दिन इसे मार दिया होता तो ये तमाशा ही खत्म हो गया होता। अब चुपचाप क्यों बैठी हो? बोलती क्यों नहीं? बंद करो ड्रामा रिमझिम। तुम्हारा ही नाटक खत्म हो चुका है। अविनाश देखा देखा ये पागल नहीं है। ये ड्रामा कर रही थी। अब तो तुम लोगों मेरी बात पर विश्वास हो गया। मैं सही कह रही थी। ये